सरकार किसके लिए है? ना सरकार सुन रही है, ना ही प्रशासन कर रहा सुनवाई। आखिर गरीब कहां करे अब फरियाद। कुछ ऐसा ही हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 1 के छोर पर गरीब परिवार के साथ घटित हो रहा है, क्योंकि गरीब परिवार आसमान तले जिंदगी बसर कर रहा है। वार्ड नंबर 1 के बाशिंदे 65 वर्षीय करतार चंद अपने परिवार के साथ बिना बिजली पानी के झुंगी झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहा है। करतार चंद का कसूर इतना था कि ये पता नहीं था कि जिस जमीन पर रिहायशी मकान बनाया है वह जमीन वन विभाग की है। अब पीड़ित परिवार ने दुखी होकर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि करतार चंद अपने ससुराल में ही रहता है, लेकिन करतार चंद को इस बात का पता नहीं था कि जिस जमीन पर दो कमरे और रसोई घर बनाया हुआ है वह वन विभाग की भूमि है, जिसे वन विभाग ने अवैध कब्जा होने के चलते गत वर्ष मई माह में गिराया था। हालांकि करतार चंद ने जिलाधीश से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधायक सदर नरेंद्र ठाकुर से लेकर राजेंद्र राणा से भी घर मुहैया करवाने की फरियाद लगाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। करतार चंद ने बताया कि बरसात के दिनों में डीसी मदन चौहान ने टेंट दिलवाया था, लेकिन उसके बाद घर बनाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। करतार चंद ने दुखी मन से कहा कि एक साल से परेशानी के दौर में बिना बिजली पाने के आसमान के तले ही जिंदगी जी रहे हैं और अब केवल आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। करतार चंद ने मांग करते हुए कहा कि दो मरले भूमि इसी जगह पर दे दी जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। जहां पर सरकार गरीबों को हर सुविधा मुहैया कराने के दावे करते नहीं थकती, लेकिन हमीरपुर जिला के समीप वार्ड नंबर 1 में ऐसा भी एक बेघर परिवार है जो कि पिछले एक साल से आसमान के तले अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गया है। इस परिवार की गलती इतनी थी कि इनको ये नहीं मालूम था कि जिस जगह पे इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है वो जगह वन विभाग की है, और वन विभाग ने पिछले साल मई महीने में जेसीबी लगा के इस सारे घर को उजाड़ दिया है। उसके बाद ये परिवार के सारे सदस्य आसमान के तले एक झुंगी में बनाकर यहाँ पे निवास कर रहे हैं। आप देखते हैं कि झुंगी बिल्कुल यहाँ पे कितनी खस्ता हालत में झुंगी है और सारा सामान बाहर बिखरा हुआ है। इसके साथ ही हम आपको उस परिवार के सदस्य से भी मिलवाएंगे जो कि यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहा है। हमारे साथ करतार सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या कहानी है। करतार जी बताएंगे कि ये कब हुआ, आपको पता था कि जमीन ये वन विभाग की है कि नहीं? मैं कोई पता नहीं था, मेरे ससुर ने बना के दिया था, मेरे को नहीं पता कहाँ बना दिया, क्योंकि उनका एक कब्जा था इसके ऊपर। हमें नहीं पता, उन्होंने बना के दे दिया कि आप, मैं किराए पर रहता था, उन्होंने बना के दे दिया कि आप यहाँ, आपने आपको मकान बना दिया, आप इधर आ जाए। फिर घरवाली मना करती थी कि हमने नहीं जाना है, लेकिन मैं मजबूर होकर आ गया था कि भाई चलो बोल रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो पीछे से उन्होंने मना कर दिया कि हमने नहीं बनाया। जब उनके बयान हुए फिर उन्होंने एप्लीकेशन भी उन्होंने दे दी है 20-25 साल के बाद कि मेरी बहन ने नजायज कब्जा किया है, फॉरेस्ट वालों को कि मेरी बहन ने नजायज कब्जा किया, उसको उठाया जाए वहां से। लगभग एक साल से आप आसमान के नीचे झुंगी लगा के जीवन बसर कर रहे हैं, तो अब आपने कहीं किसी से मांग नहीं की, प्रशासन से? हर एक जगह गए हम, सीएम के पास भी गए, वहीं भी एप्लीकेशन दी, वो भी आ गई, एप्लीकेशन आ गई वापस, डीसी के पास आ गए, लेकिन डीसी ने कोई ऐसा बोला कि आपके नाम जमीन है भाई, घरवाली के नाम जमीन है, आपको नहीं लौट हो सकती है। तो मैंने हर एक एमएलए के पास भी गया, मैं धूमल के पास भी गया, मैं राणा के पास भी गया, फिर उधर पठानिया है उसके पास भी गया, गुड्डू के पास भी गया, हर एक आदमी के पास जहां मुझे बताया मैं गया, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। एक सिर्फ ये त्रिपाल जो है ये डीसी साहब ने लौट ऐसे किया जैसे ये के सीटू वालों का दफ्तर है, वो उनके वो आए मेरे पास और उनके पास मैंने रिक्वेस्ट की, वो गए मेरे साथ डीसी के पास, उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे एक परिवार, उस दिन बारिश हुई थी तो पेड़ के ये पेड़ था बड़ा नीचे, इसके नीचे रहे हम पूरी रात। तो वो गए फिर उन्होंने डीसी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है जी, आप सोचो भी इनके बारे में, इनको जगह दो कहीं रहने के लिए। फिर डीसी ने बोला भाई मैं करता हूँ इनका कुछ, सोचा उन्होंने बड़ी देर, फिर बोले एसडीएम को लिख दिया कि इनको ऐसा करो, इनको टेंट दो भाई, ला के कहीं से भी लाओ, धर्मशाला से लाओ, जहां मिलता है भाई वहीं से, जहां आपको मिलेगा भाई वहीं से टेंट दे उनको ला के। टेंट टूंट तो हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये त्रिपाल दे दिया, वो भी अब पूरी बरसात में गल गया है, अब पानी अंदर पड़ रहा है इसमें। हमारे हम रात को बहुत मुश्किल में रहते हैं, ठंड से मर रहे बच्चे भी और हम भी। तो रात को अगर आप रात को आए तो रात को देखें कि क्या होता है, अंदर पानी से भर जाता है, पाला जब पड़ता है हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम तो मर जाए तो अच्छी बात है,
सरकार हमें ऑर्डर दे के तुम खुद खुदकुशी कर लो, लेकिन ऑर्डर मानने बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब क्या क्या मांगे सरकार से? अब से मैं यही मांगता हूँ कि यहाँ पे मेरा मुझे दो मरले जगह दी जाए और मैं यहाँ पे अपना गुजारा कर सकूं। भाई मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा माल पशु बाहर रह रहा, कोई उसका साधन नहीं है, सामान देखने वाली बात है, वो सरकार देख सकती है मौका के बाहर सारा मेरा बाहर गल रहा, जो अंदर है वो भी पानी की वजह से मतलब बरसात में ये खराब हो जा रहा है। अब आप ही सरकार सोचे मेरे बारे में क्या करना चाहिए। तो आपने हमारे साथ ये थी करतार चंदी, जिनका जो कि बेघर है पिछले एक साल से और आसमान के तले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। इनका तो ये भी कहना है कि सरकार अगर इनको घर अलॉट नहीं कर पाती है, घर नहीं दे पाती है, तो ये आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। तो इस सारी आपने जो आपने देखा यहाँ पे जो बेघर परिवार है बाहर रह रहा है और अब ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो इससे सारे जो सरकार के दावे हैं बेघरों को घर देने के आपके सबके सामने खोखले साबित हो रहे हैं। करतार चंद की तीन बेटियों की शादी हो चुकी है और अब एक बेटा और पत्नी के साथ खुले आसमान तले जिंदगी जी रहा है। करतार चंद ने 1995 में वार्ड नंबर 1 में मकान बनाकर रखा था। करतार चंद को मलाल है कि गरीब परिवार के घर को वन विभाग ने तो तोड़ दिया लेकिन रसूखदार लोगों के कब्जे तक को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए।